हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एमिनेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एग्जांपल 12.3 में आपको क्या दिया हुआ है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। बी हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? तब यहाँ पे आपको दोनों के लिए करंट पूछा गया है, ठीक है? दोनों के लिए पोटेंशियल सेम है 220 volt, और बट क्या बोला है? रेजिस्टेंस अलग अलग है। एक जगह रेजिस्टेंस 1200 ohm है और दूसरी जगह रेजिस्टेंस 100 ohm है। सो क्या करेंगे हम? अब हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है। सो I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाय R। क्लियर। अब पहले केस में अगर हम बात करें, हमारा पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 1200 ओम। सो I इक्वल्स टू V बाय R। सो 220 अपॉन 1200 कर देंगे हम यहाँ पे। सो क्या निकलेगा इससे आपका? ये 0 0 कैंसिल आउट, 11/60, देन 0.18 एम्पीयर। ठीक है। इसी तरह बी पार्ट में पोटेंशियल आपका कितना है? 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना हो गया? सो आई इक्वल्स टू अगेन V बाय R, 220 अपॉन 100 कर देंगे, 2.2 एम्पीयर। तो जब हमने रेजिस्टेंस कम किया तो करंट वहां पे ज्यादा हो गई आपकी। क्लियर? कर दो फटाफट अपने आप।